अनाथ होने के बावजूद मधु एक पढ़ी लिखी आत्मसम्मानी लड़की थी। वो सरकारी स्कूल में टीचर थी, सभी उसकी प्रशंसा करते थे। एक बार स्कूल में वार्षिक मेला लगा जिसमें चेतन स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे जो उसका दोस्त था मेले में आया। चेतन एक इंजीनियर होने के बावजूद भी कामचोर और आलसी था। उसने मधु को देखा। यार ये लड़की कौन है, सब कुछ अकेले संभाल रही है। यार बड़ी आत्मसम्मान वाली लड़की है, देख ले अनाथ होते हुए भी यहाँ तक पहुँच गई, जल्दी ही प्रिंसिपल भी बन जाएगी। सरकारी टीचर, वाह ऐसी लड़की से शादी हो जाए तो क्या कहना। घर आकर चेतन ने मधु के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ ने चेतन की बात चलाई, प्रिंसिपल के बेटे की मध्यस्थता के कारण ये शादी पक्की हो गई। मधु की सहेलियाँ उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्यों मधु, तो ये तेरे सपनों का राजकुमार है, तू तो कहती थी किसी ऐसे वैसे से शादी नहीं करेगी। ये इंजीनियर है, अब इसके साथ में अपनी दुनिया बसाऊंगी, तुम सब मुझे दुआएं दो। मैंने लड़के से बात की है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ एक अच्छी लड़की के सिवा। सादगी से शादी करा कर चेतन मधु को घर ले आता है। मधु इंजीनियर की पत्नी बनकर बहुत खुश होती है। शादी के अगले दिन चेतन की माँ उसे जगाते हुए कहती है, चेतन देख अब घर में बहू आ गई है बेटा, अब अपने लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, इस तरह घर में पड़ा रहना अच्छी बात नहीं है, बेचारी क्या सोचेगी। अरे माँ इसलिए तो बिना दहेज लिए उस अनाथ से शादी करी है, वरना क्या मुझे लड़कियों की कमी थी, मेरे से नौकरी वोकरी नहीं होती माँ, अब तो मधु ही नौकरी करेगी। हे भगवान कैसा बेटा दिया है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, समझ नहीं आता बहू इसके साथ जीवन कैसे बिताएगी। माँ के ताने सुनकर चेतन अपने कमरे में आ जाता है जहाँ मधु उसका इंतजार कर रही होती है। मधु से पूछती है, सुनिए मेरी सहेली का फोन आया था, वो मुझसे पूछ रही थी कि आप किस कंपनी में इंजीनियर हैं, मुझे तो आपकी कंपनी का नाम ही नहीं पता। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ, मैं कोई झूठा मक्कार नहीं हूँ, अच्छी खासी सरकारी स्कूल में टीचर हो, बढ़िया तनख्वाह आती है, फिर भला मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत, आखिरकार घर में भी तो कोई देखभाल के लिए होना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, खैर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगी, हम मिलकर आपके लिए नौकरी ढूंढेंगे। नौकरी नौकरी क्या दिमाग खराब कर दिया, इस घर में तो चैन से बैठ नहीं सकते, और याद रखना कल से तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो रही है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगा और वापस लेने भी आऊंगा, ये क्या कम है, आए बड़ी। चेतन के जाने के बाद मधु उदास हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति बेरोजगार और कामचोर होगा। वो तो खूबसूरत सपने सजाकर ससुराल आई थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी कामचोर के साथ बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, मैं इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। सुबह होने पर चेतन मधु को स्कूल छोड़ाता है, लेकिन जब मधु को वापस लेने जाता है तो मधु आने से इनकार कर देती है। चेतन तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रह सकती, मैं अपना जीवन अकेले बिता लूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो, ऐसा भी कभी होता है क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, जल्दी ही मुझे नौकरी मिल जाएगी डार्लिंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, चलो घर चलो। झूठ बोलकर चेतन मधु को घर तो ले आता है और कुछ कंपनियों में उसके सामने ही एप्लीकेशन भी भेज देता है, पर उसका दिमाग काफी परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्तों से इस बात की चर्चा करता है। दोस्त कहते हैं, अरे चेतन चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुझे पता है गांव के पीछे जो भूतकाल की गुफा है उसमें एक पहाड़ी फकीर आया है जो सबकी मुराद पूरी करता है, चल उनसे मिलते हैं, वही कोई रास्ता बताएंगे। हाँ मंगलू सही कह रहा है, मेरे भाई के घर भी ऐसी ही परेशानी हुई थी, उसने मेरी भाभी को ऐसी जड़ी बूटी पिला दी कि अब तक वो भाई की सारी बात मानती है। चेतन हरिया और मंगलू के साथ पहाड़ी फकीर के पास जाता है। पहाड़ी फकीर उसे देखकर जोर से चिल्लाते हैं, आ गया बच्चा, तेरा ही इंतजार कर रहा था, काफी दुखी लग रहा है, चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, बाबा के कमंडल में अपनी अंगूठी डाल दे और अपनी समस्या बता। धन्य हो बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं बहुत दुखी हूँ। अरे बाबा क्या बताऊँ आपको, नई नई शादी हुई है
अनाथ लड़की से शादी की ये सोचकर कि वो सरकारी टीचर है, सारी उम्र मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो तो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कभी ना करना। तेरी पत्नी कोई साधारण औरत नहीं, साक्षात लक्ष्मी है। अगर वो तेरे घर से गई तो तेरा घर का सुख चैन भी चला जाएगा। लेकिन बाबा, वो तो रुकने को तैयार नहीं। एक ही रट लगाई है कि अगर तूने नौकरी नहीं की तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हर घड़ी मुझसे नौकरी करने को कहती है। तो ये बात है, अपनी घड़ी कमंडल में डाल और बाहर जाकर मेरी चौखट की मिट्टी उठा ले। घर जाकर उसमें टमाटर मिला लेना और अपनी पत्नी के चेहरे पे लगाना, तेरी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर उसका चेहरा खूबसूरत हो गया तो सब ठीक है, और अगर उसके चेहरे पर कोई मुसीबत आई तो तेरी बर्बादी निश्चित है। चल जा, अब बाबा का ध्यान का समय है। चेतन अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी फकीर की चौखट की मिट्टी लेकर घर चला जाता है और फिर मिट्टी में टमाटर का रस मिलाकर मधु के पास आता है। मधु, बहुत थकी हुई लग रही हो। ये देखो, तुम्हारे लिए दिल्ली से फेस पैक मंगाया है। एक बार इसे चेहरे पर लगाकर तो देखो, सारी थकान दूर हो जाएगी। तुम कहती हो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। ये ध्यान नहीं रखता तो क्या है? देखो चेतन, अगर तुमने नौकरी नहीं करी तो तुम मुझे इस घर में नहीं रोक पाओगे। तुम्हारा कोई फेस पैक काम नहीं आएगा। मधु मुंह धोने के बाद शीशे में अपना चेहरा देखती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पूरे चेहरे पर दाने ही दाने हो गए। हे भगवान, चेतन तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये तो किसी चीज की एलर्जी लगती है। दूसरी तरफ शीला बहू का चेहरा देखकर बहुत परेशान हो जाती है और बहू से कहती है, अरे मधु, तेरे खूबसूरत चेहरे पर ये क्या हो गया बेटा? लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। सुना है कोई पहाड़ी फकीर आए हैं जो सबकी मुसीबत दूर कर देते हैं। मेरी भाभी की बहू को भी नजर लग गई थी तो उन्होंने ही उतारी। मधु अपनी सास शीला के साथ पहाड़ी फकीर के पास पहुंचती है। महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं। देखे ना, मेरी बहू को न जाने किसकी नजर लग गई। इसका चेहरा रातों रात दानों से भर गया है। तुम बाहर जाओ माँ जी, मैं तुम्हारी बहू से अकेले में बात करना चाहता हूँ। शीला बाहर चली जाती है और पहाड़ी फकीर मधु से कहते हैं, बेटी, तेरा पति तेरा काल है, तेरी सास के सामने मैं सब नहीं कहना चाहता था। जितनी जल्दी हो सके उससे पीछा छुड़वा ले और अपने कान के टॉप्स कमंडल में डाल दे। चौखट की मिट्टी उठाकर अपने पति के खाने में मिला दे। अगर ठीक रहा तो बढ़िया है, वरना जल्दी से जल्दी छोड़ के चली जा, सब ठीक हो जाएगा। मधु घबरा के पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने टॉप्स बाबा के कमंडल में डाल देती है। शीला अंदर आती है। देख बेटी, तेरी बहू लक्ष्मी है, कुछ भी हो जाए अपनी बहू को घर छोड़कर कभी मत जाने देना। मधु रात में चेतन के खाने में मिट्टी मिला देती है। खाना खाने के बाद मिट्टी के इन्फेक्शन से चेतन का पेट खराब हो जाता है। हे भगवान, अब तो सारी ताकत भी खत्म हो गई। इतने दस्त आए हैं कि जान निकल गई। अब तो बाबा के पास ही जाना होगा। अरे मधु, तेरी सैलरी आ गई होगी, तूने मुझे दी नहीं अभी तक। मेरी सैलरी तुम्हें क्यों दूं? बहुत सैलरी इसे नहीं दे, मुझे दे, वरना घर का राशन पानी कैसे आएगा? तू बस खाने से मतलब रख, तुझे कोई कमी ना होगी। इस तरह कई महीने गुजर गए। मधु पूरे महीने मेहनत करती और सैलरी मिलते ही शीला को सारे पैसे दे देती। न जाने कैसी किस्मत है, एक तो निखट्टू पति, ऊपर से स्कूल का काम, घर आओ तो घर का काम। एक मिनट के लिए मुझे चैन नहीं, अब मुझे कुछ सोचना ही होगा। मधु अपना सारा सामान पैक करके घर से जाने लगती है कि चेतन आ जाता है। मधु, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज रुक जाओ। बस बहुत हो गया चेतन, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है। मधु, मुझे छोड़ के मत जाना। बेचारी मधु चेतन की हालत देखकर फिर रुक जाती है। इतने दिन हो गए, एक शिकार भी नहीं फंसा,
ऐसा ही रहा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आज गांव में जाकर लगता है कोई तो जरूर फंसेगा। बाबा घूमते घूमते चेतन के घर पहुंच जाते हैं और आवाज लगाते हैं, भिक्षा दो, घर में भयानक मुसीबत आने वाली है। शीला बाहर आकर, अरे फकीर बाबा आप, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। आइए आइए अंदर आइए ना, भोजन करिए। पहाड़ी फकीर अंदर आ जाता है। उसे देखकर चेतन उठकर बैठ जाता है। धन्य हो बाबा, आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? बाबा ये मेरा ही घर है, मुझ पर दया कीजिए। हाँ उपाय करना होगा, तू चांद और तेरी बीवी सूरज इसका तेज जला देगा और इसके बिना भी तू मर जाएगा। अगर एक साल तक हर महीने 5,000 देने का वादा करता है तो मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे मंजूर है बाबा, सब मंजूर है। चेतन के जाने के बाद मधु आती है। बाबा आपने मेरे पति को देख लिया, अब कुछ बढ़िया उपाय करिए कि इसकी बुद्धि ठीक हो जाए। बेटी उपाय तो हो जाएगा, पर एक साल तक हर महीना 5,000 देना होगा। बाबा पैसे की चिंता मत करिए, आप सब ठीक कर दीजिए। उन सब के जाने के बाद पहाड़ी फकीर मन ही मन सोचता है, शीला तेरे दोनों बच्चे पर काली छाया है, मुझे अनुष्ठान करना होगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं बाबा आप अनुष्ठान कीजिए, पर उसमें बहुत खर्चा होगा, सोच ले। जो भी हो बाबा, परिवार से बड़ा तो कुछ नहीं ना। हर महीना 5,000 लगेगा बेटी और अनुष्ठान 1 साल का होगा। मुझे सब मंजूर है, आप मेरे घर को बचा लो। किसी तरह 2-3 महीने के अंदर सबके सब बाबा को पैसे दे देते हैं, लेकिन अब घर में सब्जी फल वगैरह सब में कमी आने लगती है। माँ साबुन तो देना, बाथरूम में साबुन नहीं है। बढ़ाया राजकुमार, काम करना काज का, बिना साबुन के नहीं नहा सकता क्या? आज से घर में साबुन आना बंद, अब खुद की कमाई से ही साबुन लाना। माँ मेरा जेब खर्च तो दे, तूने पिछले महीने भी नहीं दिया था। एक ढेला भी नहीं मिलेगा, जाके खुद कमा। आखिर माँ को हो क्या गया है? लगता है कोई नौकरी ही करनी होगी, वरना बाबा को पैसा देना मुश्किल हो जाएगा। माँ पिछले 1 हफ्ते से घर में सब्जी भी नहीं आ रही, माँ जी इतनी मेहनत के बाद सिर्फ अचार से काम नहीं चलता मेरा। अरे तो क्या मैं खा लेती हूँ, शर्म नहीं आती? निखट्टू कहीं का, तू कमाता होता तो कोई मुझसे हिसाब न पूछता। दूसरी तरफ पहाड़ी फकीर को हर महीने पैसे मिल जाते। अब बाबा रोज मलाई पकवान उड़ाता और चेतन के घर में बाबा को पैसे देते देते गरीबी छाने लगी थी। अगले महीने मधु शीला को 5,000 रुपए कम देती है। अरे बहू ये पैसे कम क्यों है? माँ जी इनकम टैक्स के पैसे कट गए। इस महीने मुझे 5,000 चाहिए, एक कोर्स कर रहा हूँ नौकरी के लिए। लगता है बाबा का अनुष्ठान काम कर रहा है। चेतन तुम चिंता न करो, कोर्स करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लगता है बाबा का अनुष्ठान काम कर रहा है। उन दोनों को प्यार से बात करते देख शीला को भी यही लगता है कि बाबा का अनुष्ठान काम कर रहा है। चेतन एक दो जगह इंटरव्यू देता है और उसे नौकरी मिल जाती है। अब सबको विश्वास हो जाता है कि ये पहाड़ी फकीर की महिमा है। नौकरी मिल जाने के कारण मधु भी चेतन के साथ प्यार से रहने लगती है। अगले महीने शीला मधु और चेतन अलग अलग बाबा को पैसे देने जाते हैं। मधु चेतन को देखकर छुप जाती है और वीडियो बनाती है। जय हो बाबा, आपका अनुष्ठान तो काम कर गया, ये लीजिए आपके 5,000, बस अपना काम पूरा कर दीजिए। कोई चिंता की बात नहीं, सब हो जाएगा। जय हो आपकी, आपके अनुष्ठान से मेरा घर बदल रहा है, लीजिए 5,000 रुपए, बस मेरा काम पूरा कर दीजिए। शीला के जाने के बाद बाबा अपनी विग उतार कर बीवी को बुलाता है। सूजी डार्लिंग बाहर आना, देखो तुम्हारा काम हो गया, आज खाना ऑर्डर कर दो, पर नॉन वेज करना। डार्लिंग 1 साल के बाद क्या करेंगे? मूर्खों की कोई कमी नहीं है, तुम ऐसा करो मैं इनकी मूर्खता का कष्ट करूंगा। शीला को सब समझ आ जाता है और वो वापस आ जाती है। घर पहुंचती है तो चेतन खुशी से कहता है, मधु
बाबा की दया से मेरा प्रमोशन हो गया है। अब मेरी सैलरी 1,00,000 रुपए है। चाहो तो तुम नौकरी छोड़ सकती हो। चेतन, ये सब बाबा का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी। तुम तो जानते हो ना, मैं अनाथ थी, सारी जिंदगी मेहनत करके खाया है। शादी के बाद चैन से खाना चाहती थी, पर अब मुझे नौकरी करना अच्छा लगता है और तुम्हारे जैसा पति पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब बाबा की दया है, उनकी पूजा से हमारा घर ठीक हो गया। उनकी पूजा से हमारा घर ठीक नहीं हुआ है माँ, हमारा घर चेतन की मेहनत करने से ठीक हुआ है, बल्कि हमारे पैसे से उनका घर ठीक हो गया है। ये देखिए, वो सबको बाबा का वीडियो दिखाती है। इस बाबा की वजह से मैं नौकरी कर रहा था, अब मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। क्या? ऐसा कभी नहीं होगा मधु, मुझे अपनी भूल समझ आ गई है। अब हम सब मिलकर इस बाबा को मजा चखाते हैं। बाबा मधु को फोन करके पैसे के लिए पूछता है। बाबा, मैंने अपने जन्मदिन पर आपके लिए खाना रखा है, आप हमारे यहाँ खाने के लिए आइए, मेरे और भी दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा सोचता है कि उसके लिए और पैसों का इंतजाम होने वाला है। वो खुशी खुशी खाना खाने चेतन और मधु के घर पहुँचता है। आइए आइए बाबा, आराम से बैठिए, लेकिन अपना विग टांग दीजिए, क्योंकि यहाँ पंखा बहुत तेज है, अगर ये उड़ गया तो खाना खराब हो जाएगा। शीला की बात सुनकर बाबा घबरा जाता है और अचानक अंदर से मधु और चेतन पुलिस के साथ निकलते हैं। मधु पुलिस को बाबा का वीडियो दे देती है और बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरे मूर्खो, ये सब क्या कर रहे हो? मैं सबको भस्म कर दूंगा, नहीं जानते मैं एक सिद्ध फकीर हूँ। सब कुछ अच्छे से जान चुके हैं ढोंगी फकीर, अब तेरा कोई पैतरा काम नहीं करेगा। अरे बहुत बेवकूफ बना लिया सबको तुमने, अब आ जाओ थाने में, कुछ दिन हमें सेवा करने का मौका दो, ले जाओ इसे। और आप सबका बहुत धन्यवाद जो ऐसे ढोंगी को पकड़वा कर हमारे सभ्य समाज में जो दिल से धर्म आचरण करने वाले लोग हैं, उनकी इन ढोंगियों की वजह से बहुत बदनामी होती है। आप जैसे सतर्क अगर हर कोई हो गया तो हमारा भारत फिर से स्वर्ग कहलाएगा। लेकिन बाबा के धोखे ने मधु के निकम्मे पति को हमेशा के लिए सीख दे दी थी। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।